के सरकार तो अब तक रही बैठी है, बस फैसला देना बाकी है। टेंडर तो रद्द हो जाएगा जे आपकी जनसंख्या इतनी है रोज रहेगी। अरे ये गंदी सरकार है, अरे एक जगह धरने हैं पूरे हरियाणा में, यानी कि आप टुहाना में आपकी जो लड़की कॉलेज में जावे दुर्गा कॉलेज में, उन्हें 11 दिन सड़क पर बैठी रही 11 दिन काम गर्मी में, वह आपकी बेटी थी, उन गले भी सरकार गंदी सरकार ने एक दिन भी आके उन्होंने कहा भाई हमारी बेटी का पढ़ने का टाइम है और आप अंदर जाके पढ़ाई करो, पूरे 11 दिन धरना दिया है। बाल संबंध में भी देने लग रहे हैं, कैथर में भी देने लग रहे हैं, और खेतर का तो कहना है कि है खेतर गाँव तो क्रांतिकारी हो गया धरना में, इतनी जनसंख्या खेड़ी भी इतनी थी, खेड़ी वाले तो टला दिए, और कोई बुरा ना मानियो खेड़ी वाले नुए टलाने जोगे थे। मेरा गांव है उड़े क्योंकि मैं दुष्यंत का बरने गए थे, जो भी आज इस सरकार का एमएलए मंत्री का बरना चाहोगा नो सोच लो यार क्या, और वो अपन रहा होगा जो भी किसान, अरे अपने भाई चला खेतर गाँव ये आंदोलन लड़ने लग रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है किसे मंत्री बनने के मंत्री एमएलए का बरना ना जाइयो, मंत्री एमएलए का बरना जाने अपनी हार पक्की। मैनू कहते दे दिया 65-65 रुपये, एक का भी एक रुपया नहीं, अरे एक रुपया भी और ना अंदा। आपे जो अपने डीसी है एसडीएम है ये तहसीलदार साहब आए थे, इनका भी अपनी मांग कुछ भी कैस कहा, लेकिन एमएलए मंत्री का बरना ना चाहिए। और इस भाई ने बताया था कि एक पार्टी और भाई पहली पार्टियां ने कुछ नहीं कर लिया, चौटाला परिवार ने तो हमेशा ही किसान रोड पर बिठाया है, भाई ने कनेले कांड का भी जिक्र उठाया था, अरे एक और लोग बैज बैज के ना बढ़ने लग रहा बोर्ड के चटेला परिवार, और बोर्ड के ईब जे आप रोड पर बैठे नू ना सोचियो, बोर्ड के चटेला परिवार ने दूसरा ने बनावांगे और तारे काम बनेंगे, फिर रोड पाना है, फिर भी रोड पर बिठाना है, क्योंकि चटेला परिवार की मनसा में सही किसान ने रोड पर बिठाना है, इनके बुका उमान की जरूरत नहीं, यू भी उसे का और वह भी इसे के। ये जेजेपी और बीजेपी सरकार इतनी गंदी है अपन अजमत के देखने लग रहे हैं, फिर आप इनका शुक्र गुजार, हाँ अपना भाईचारा बना दिया, आप लड़न सिखा दिए और अपने हक लेने सिखा दिए, हमें तो इस बात का भी इनका शुक्रिया माना है, नहीं तो हमें तो बटे पड़े थे धर्म जातियों का नाम पे, 36 बिरादरी का भाईचारा बना दिए थी, हम तो इनका शुक्र भी माना है भाई हम लड़न सिखा दिए, हमारी 16 साल की बेटी रोड पर लड़ने लग रही है, 80 साल का बूढ़ा रोड पर लड़ने लग रहे हैं, तो हम इनका यू भी भलाई मानना भाई हम कुछ शिकायत तो दिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, गौ माता जिंदाबाद, इस गंदी सरकार तब पे और कोई उम्मीद कर सका, हाँ जो अपनी गौवा का मुंह का निवाला ये छीन लिया, इन्हें राखी रात तो नुका कर दे कड़िया में नहीं सरकार नड़ती, या राखी दे रखी थी अपने देख इस पर भी कब्जा कर लिया, और जब तक ये टेंडर रद्द नहीं हो जाए और जब तक ये गौशाला का कमाई राखी नहीं आ जाए, मैं तो नुगो मेरी मात्र शक्ति तो है तो हमें मजबूत बने रहियो, ये काके ताऊ बेस उठ जियो तो हमें ना उठियो। 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद।